हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। भाई लोग, आज की जो गेम प्ले वीडियो है, देखो अपने पास लैंड क्रूजर। हम लोग गेम प्ले शुरू कर रहे हैं अपने दुबई के अंदर से। बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया कि माउंट चिली यार्ड पे मैं बहुत सारी गाड़ियां ले गया हूँ वहाँ पे चेक करने के लिए, ऑफ रोडिंग चेक करने के लिए। मुझे यकीन है कि जो ये लैंड क्रूजर है ना, अपने ये वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी देगी। लेकिन मैं इसको लेके आया हूँ फर्स्टली इधर दुबई में, क्योंकि दुबई की रेत में अब ये कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना वैसे इसके ऊपर जो है ना सब कुछ किया हुआ है। यानी कि रियल लाइफ के अंदर हम लोगों ने दुबई में रेत के अंदर टेस्ट किया हुआ है, डून बशिंग वगैरह सब कुछ इसके ऊपर की हुई है। लेकिन अब लोग हम गेम में आए हैं हसनैन भाई और बट साहब को लेके, तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। लैंड क्रूजर अपने बहुत प्यारी लग रही है, हमने कलर इसका रेड करवा लिया था, तो क्या लेवल का लैंड क्रूजर है अपने। भाई लोग आ जाओ, बैठो जल्दी से पहले गाड़ी के अंदर आ जाओ। एक तो ये लोगों को मैं इधर आकर रोका है, तो वो जी चले गए अंदर ही पानी के, जी बीच के अंदर ही चले गए। हम लोगों ने बीच के अंदर ही जाना है, बट आ जा बैठ जा। वैसे इन्होंने जिद आजकल छोड़ी हुई है, अच्छी बात आगे पीछे बैठने वाली, तो बैठ गया ना। हाँ तो बताओ, अब रेत की सैर करनी है ना तुम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने माउंट चिलियाड भी जाना है। बट का एरिया है, बट की फटती है वहाँ जाने से बट जाना ही। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ दुबई के अंदर रेत ही रेत है अपने जो यहाँ पे है दुबई। और ये क्या है, सैंड स्टॉर्म तो नहीं आने वाला? ये वेदर कैसा हुआ पड़ा है यहाँ पे है? तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे देखो ना, ये पानी भी धुआं धुआं बन के उड़ रहा है यहाँ पे। अगर कोई बारिश वगैरह हो जाएगी तो चलो अच्छा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस चेक करने आए हैं। V8 आई है, तो इसके ऊपर कैसे चलती है। तो ये बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा के आसपास भी यहाँ पे जो है ना पानी और रेत वगैरह आया हुआ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉम आया था, सैंड स्ट्रॉम, जिसकी वजह से सब कुछ ही रेत के साथ ही कवर हो गया था यहाँ पे। तो हम लोगों ने बेसिकली जाना उस साइड पे जहाँ पे ज़्यादा रेत है। और ये तो रोड है, रोड के ऊपर तो फिर भी सही परफॉर्मेंस कर रही है आजकल। वैसे यहाँ की जो रोड्स हुई पड़ी है ना, वो भी बहुत ख़राब हुई पड़ी हैं। वो भी ऐसा है कि गाड़ियाँ जो होती हैं वो रेत के अंदर धंसती जा रही हैं, इस तरह का भी सीन वैसे हुआ पड़ा है। वैसे यहाँ पे चेक करके देखें कि इसके ऊपर तो आराम से नीचे भी चल जाएगी, आ भी जाएगी गाड़ी, इसका तो कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये चेक करो यहाँ से, तो ऊपर से मेरे ख्याल से लैंड क्रूजर के लिए तो मसला ही नहीं है ना। ये चेक करो, ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है यार लैंड क्रूजर की। मुझे लगता है माउंट चिलियाड पर भी ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ये लैंड क्रूजर देने वाली है, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी का मज़े तो आप आएंगे भाई। अच्छा यहाँ से ये ब्रिज है, इस ब्रिज को पकड़ के हम लोग उतरी। ओ हो, मैंने देखा ही नहीं, बचत हो गई वैसे कदम से। ब्रिज के ऊपर भी तो रेत इतनी इतनी आई हुई है, ट्रैफिक नहीं नज़र आ रही। जब से कोरोना का सीन हुआ था उस वक्त के बाद तो लोग तो यहाँ पे आना जाना ही छोड़ दिया, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला हुआ पड़ा है यहाँ पे। खैर हम लोग फिर भी यहाँ पे आ गए अपने लैंड क्रूजर V8। क्या लश माहौल था, मिठे चोल वाली गाड़ी लग रही है भाई। ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, कनेक्ट हो गए हम सिटी के अंदर, और अब बस यहाँ पे आए हैं उस सिटी वाली साइड पे। जाना गाड़ियाँ वगैरह घूम रही हैं, ये देखो चेक करो ट्रैफिक है यहाँ पे। तो सीधा मेरे ख्याल से रेत ही है वहाँ पे सीधा, किसे वो देखो वो पहाड़ी है, उसके ऊपर चल के देखते हैं। पहले इस रेत के ऊपर टेस्ट करके देख लेते हैं कैसी है। एक मिनट, ठीक है, रेयर व्हील ड्राइव है, और मतलब ये 4 व्हील ही है लेकिन हैंड ब्रेक के साथ रेयर व्हील पे जोर लगा रही है। तो जब पहाड़ी वगैरह के ऊपर चलती है तो डेफिनेटली 4x4 पे ही चलती है ये। और इंटीरियर तो आप लोगों ने इसका देखा हुआ है, मेरे और भी वीडियोज़ में देखा है, बहुत ज़बरदस्त है इंटीरियर भी। इसकी जैसा कोई नहीं, क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी है यार लैंड क्रूजर। और नॉर्मल गाड़ियों में जो मैंने होंडा सिविक रिबॉन जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा मॉडल लगता है, इसमें SUV में लैंड क्रूजर है, स्पोर्ट्स कार में लैम्बोर्गिनी है, और जो फुल लग्जरी गाड़ियाँ उसमें बेंटली है और रोल्स रॉयस है, दोनों बेंटली रोल्स रॉयस दोनों ही हैं वैसे। तो ये कुछ मामला था यहाँ पे। अभी ऊपर चढ़ के देख लेते हैं क्या सीन है, एक रोक के चलाएंगे ना फिर से सही पता चलेगा, रोक के चलाने से सही पावर का पता चलता है गाड़ी की। एक ये रोक दी यहाँ पे, देखो कितनी पहाड़ी के ऊपर है, और चलो अब ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि माउंट चिलियाड वाली जो पहाड़ी है ये तो आराम से पार कर जाएगी, कोई इसके लिए मसला होना चाहिए ही नहीं। और वहाँ पे कौन सी गाड़ी, 2 चैलेंजर लेके जो हम लोग गए थे वो तो ऐसे गुजरी थी वहाँ से जिस तरह गुजरने का हक होता, मज़ा आ गया था वैसे। उसने बिल्कुल ही कोई मतलब जोर लगाया नहीं था, आराम से चली गई थी। ओए होए होए यार, ऐसे धुआं धुआं किस चीज़ का, यहाँ पे कोई आग तो नहीं लगी हुई यहाँ पे, या गर्मी इतनी ज़्यादा है। हम लोग तो लैंड क्रूजर के अंदर बैठे हैं, इसका AC बहुत ज़बरदस्त है, अब देखो नीचे जा रही है यहाँ से, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे, कोई मसला ही नहीं है, आराम से जा रही है। हालांकि मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, ब्रेक और रेस सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो आराम से नीचे उतरी है, सही हो गया। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा माउंट चिलियाड वाली साइड पे, वहीं जाके इसकी बाकी जो है ना टेस्टिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे तो ठीक हो गया यार, ये देखो ना इसके ऊपर ही। अभी बार आप लोगों को एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जो भी है ये चेक करो, ये चेक करो, मज़े से चढ़ रही है, मज़े से चढ़ रही है, कोई ऐसा मसला है ही नहीं इस लैंड क्रूजर के लिए। ये चीज़ मेरे अजीज़, मज़ा आ गया, ठीक हो गया यार। ये कौन चीखे मार रहा है, बट होनी है कौन है,
कौन चीखे मार रहा है, मुझे लगता है कि बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा वो बाहर रफड़ा कोई पड़ा हुआ है। खैर हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच गए हैं, मुझे लगता है यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है ये, क्या सीन बना है यहाँ पे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या है, क्यों चीख रहे हो भाई? ये लोग बहुत चीख रहे थे, क्या मसला? ये ड्रामे हमारे साथ कर रहे थे, हमारे साथ ड्रामे कर रहे थे। भजो भजो इतना भजो, गोली मार दूंगा, भजो। अरे खैर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए माउंट किलियार वाले। यार इस साइड पे हम लोग कभी नहीं गए, इस साइड पे क्यों नहीं गए हम कभी? अरे खैर इस साइड पे आज हम लोग नहीं जाते अभी, क्योंकि फिर नाइन साफ़ी हो जाएगी दूसरी कारों के साथ जिनको हम लेके आए थे। तो अभी जो है ना हम लोग पहुँच गए माउंट किलियार पे, बारिश का सीन भी ऑन है। तो डेफिनेटली जितनी भी कारें हमने टेस्ट की थी वो बारिश के सीन के साथ ही की थी, तो इसलिए ये गाड़ी भी बारिश के साथ ही बनती है टेस्ट करना। तो अभी हम लोग माउंट किलियार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम जब ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही, इतनी स्लिप क्यों की ब्रेक, होना नहीं चाहिए था ऐसे वैसे। खैर अभी चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर जाकर देखते हैं क्या बनता है अपना। अगर तो देखो भाई मैं कहता हूँ कि ये लैंड क्रूजर है ना अपनी बड़े आराम से चढ़ जाएगी। अगर तो चढ़ गई आराम से फिर तो बहुत मज़ेदार वाली बात है, वरना अगर ना चढ़ी तो फिर तो बिस्ती हो जाएगी अपनी कसम से। बस मैं यकीन करो बिस्ती हो जानी है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, कहाँ जाना था हम लोगों ने बोला? हाँ इधर से जाना है। अभी से हम लोग इसके टायर ना घिसा दें, यहाँ से रेसिंग लगवा के ऑफ रोडिंग अभी से करके। अच्छा जी रोड रोड चलते हैं भाई, जैसे बाकी गाड़ियों के हम लोग लेके गए थे रोड रोड। यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है भाई, मुझे लगता है गाड़ी आराम से चढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस पॉइंट पे जाके गाड़ियाँ बहुत कम। ये वो नहीं नहीं आगे आ गया, वो पॉइंट आ गया, ये नहीं आ गया, थोड़ा सा आ गया। ठीक है यार अभी फ़िलहाल तक इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे तो अच्छी लग रही है, पावर भी है गाड़ी के अंदर, मज़ेदार है। वो गाल थी ना अदा मस्त माहौल था, मिठे चोल वाली गाल है। अच्छा जी अब आएगी वो पहाड़ी यहाँ से लेफ्ट करने के बाद, ठीक हो गया, ठीक हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ये वो पॉइंट है, ये वो एक पहले तो ऐसे चढ़ा के देखते हैं ना, एक मिनट नहीं रोक ही लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ भी मोस्टली कार्स यहाँ पे रुक के जाती हैं, तो इसको भी रोक के यहाँ से लेके जाकर देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, ये चीज़ चेक करने के लिए मैं बहुत बेचैन और उतावला हो चुका हूँ, था बल्कि। कर लो गल, लैंड क्रूजर इज्जत रखी मेरी, लैंड क्रूजर पाई, अगर ये लैंड क्रूजर ना चढ़ी तो फिर तो काम ख़राब है। मैं इसको यहीं से पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा अपनी लैंड क्रूजर को। चढ़ गई चढ़ गई चढ़, ओए आराम से चढ़ गई है। ओ हो, रेंज रोवर ने कितना जोर लगाया था यार यहाँ पे, कसम से ये कितने आराम से और मज़े से गाड़ी ऊपर चढ़ गई है यार। देखा ये इसीलिए मैं कहता था कि लैंड क्रूजर ऐसे चढ़ेगी आराम से। एक मिनट इसको दोबारा उतारता हूँ, दोबारा चढ़ा के दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुदरती चढ़ गई है ये, ना लोग आप लोग ना समझना कि ऐम ही चढ़ गई है एक बार में, कोई नज़र ही नहीं आ रहा आगे से कुछ भी। एक मिनट आगे से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, बहुत खतरनाक पहाड़ी है, बहुत खतरनाक पहाड़ी है, ब्रेकें भी काम नहीं करती भाई यहाँ पे। तो बचत होगी होगी होगी, बच गए। चलो जी ठीक हो गया, अब मैं आप लोगों को दोबारा चढ़ा के दिखाता हूँ। आर यू रेडी बॉयज? एक मिनट किसी ने उतरना तो भाई उतर जाओ अभी पहले, फिर ना मुझे कहना है कि कुछ हो गया टांग वांग टूट गई, नीचे गिर भी सकते हम खाई से। नहीं चलो फिर आओ, आज तो बहादुर चल रहे हैं यार ये दोनों। चलो भाई जान दे भाई, ये देखो भाई लैंड क्रूजर पास पापलास्ट है, लैंड क्रूजर ऐसी चलती है ये, लैंड क्रूजर का मुकाबला कोई गाड़ी कर सकती है भला? अदई ये तड़े वाली देखो यार कितना ज़बरदस्त। अच्छा आगे एक और पॉइंट था जहाँ पे गाड़ी रोक के चलाओ तो फिर नहीं चढ़ती थी, तो वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं हम लोग। कौन मेरे साथ? ये नहीं है, आगे है वो पॉइंट, वहाँ जाके देख लेते हैं वहाँ से चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। जा भाई इधर क्यों स्लिप कर रही है, क्या मसला हो गया? एक मिनट, अभी भी किसी ने उतरना तो उतर जाओ, वो यही जगह थी मेरे ख्याल से। लेकिन ये लैंड क्रूजर अगर पीछे पीछे से आ गई है ना यहाँ पे भी आराम से चली जाएगी, कोई इसका इशू होगा ही नहीं। एक बार मैं सीधी कर लूँ इसको ज़रा, चल एक बार सीधी हो जाए, सीधी नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार जो ढलवान के ऊपर गाड़ी जब स्लिप होती है ना ऊपर से कीचड़ है तो फिर यही सीन होता है। चलो जी यार देखो लैंड क्रूजर ने इसे तो अपने लिए रख, बात है सीधी और साफ। अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी अगर तंग कर भी दे तो खैर है। ओ यार बैक मैंने हल्की सी की, कितनी स्पीड में जा रही है पीछे देखना, अभी यहाँ से मैं चढ़ा कर दिखाता हूँ। कोई मसला है ही नहीं भाई, कोई मसला है ही नहीं, मसला ही नहीं है भाई इसके लिए, लैंड क्रूजर के लिए आराम से चढ़ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। चेक करो जानते 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 इज्जत रखी मेरी वही। लोगों ने कहा इतनी तारीफ कर रहा था लैंड क्रूजर की, क्या बना लैंड क्रूजर यार, चढ़ चढ़ तो गई है। खैर
कोई ऐसी बात नहीं है, एक बार चढ़ गई है ना ऊपर। एक तो यार ये रोड बहुत स्लिपरी है, टायर तो अपने खैर नहीं नहीं हुई है भाई। तुसी भोंको ना, जानू मैं पहले गया थी, होना तो आओ नहीं होना ना आओ। हवा कितनी तेज चल रही है यार यहाँ पे। तो वहाँ से तो हम लोग आगे आ गए हैं, ऊपर चढ़ गए हैं। तो यहाँ पे एक और पहाड़ी है, यहाँ से देखना है। ये वाली है ना? हाँ यही वाली है, यही वाली है। यहाँ से देखना चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। अच्छा जी, अब हमें करना यह एक ब्रेक 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 तो नीचे ना गिर जाए हम लोग। शुक्र अब बचे तो अभी देख लेते हैं यहाँ से चढ़ती है कि नहीं। ये वाली पहाड़ी थी वो, जबरदस्त आराम से चढ़ गई यार। लैंड क्रूजर ने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। अब यहाँ पे एलएक्स LS570 जो है ना, वो भी कुछ दिन ले आएंगे, चेक कर लेंगे। वो लोग रो रहे हैं साथ वाले, चलो इनको मैं बता ही दूँ। चलो भाई थल यहाँ से आया मजा पैसेंजर वाला। और अगर आपको आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग चैनल को, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।